पहले से ही विद्यमान है। तीनों का उद्धार उपाय जिस सत्कर्म की जिज्ञासा है उसके बारे में रहा सुनाए। द्रव्य तप योग सभी स्वर्ग प्राप्ति का कर्म बताते। यौन यज्ञ सत्कर्म है ऐसा इसको मुक्ति का सूचक बताते। श्रीमद् भगवत का ये परायण शुकादि ने है गान किया। संकट मोचक इसका श्रवण ऋषि मुनि ने मान किया। सुनते ही इसकी वाणी को ज्ञान वैराग्य को बल मिलेगा। पुत्र वेदना से चिंता तुल माँ भक्ति को आनंद मिलेगा। जैसे भागते भेड़िए सारे सिंह गर्जना को सुनते ही कलयुग दोष नष्ट हो जाए कथा भागवत सुनते ही। प्रेम करस बरसाती भक्ति ज्ञान वैराग्य को साथ रखेगी। हर घर व्यक्ति के हृदय में हर दिन हर पल वास करेगी। नारद बोले हे मुनिवर ये कैसे संभव होगा। भूल नहीं सकता उसको जो मैंने पहले भोगा। गीता वेद वेदांत सुना कर मैंने उनको स्वयं जगाया। श्रीमद् भगवत में भी मुनिवर वेदों का ही सार समाया। आप सभी शरणागत वत्सल आपका दर्शन व्यर्थ न होता। दूर करो संदेह अभी तुम घबराऊं जो विलंब होता। बोले सनकादि हे नारद दूर करूं संदेह तुम्हारा। यद्यपि कथा भागवत में है वेद का सार ये सारा। होके भिन्न विषम फल रूपा अति उत्तम इसलिए कथा है। कई उदाहरण दे दे कर दूर करूं जो भी व्यथा है। जैसे वृक्ष में रस होता है जड़ से लेकर हर टहनी तक। कोशिका कोशिका भरा हुआ है फिर भी नहीं पी सकते हम। जब वो आता फल के रूप में जी भर के पीते उसको सब। दूध में घी का स्वाद नहीं पर अलग अलग ही खाते हम सब। खांड समाई ईख की पोरी होके अलग बन गई मिठाई। ऐसे ही भगवत कथा में मुक्ति की है गंगा समाई। जब श्री व्यास ने खिन्न होकर अज्ञान सिंधु में गोते खाए तभी नारद जी स्वयं आपने उनको चार श्लोक सुनाए। जिसे सुनते ही वेद व्यास की सारी चिंता दूर हो गई। प्रश्न क्यों करते अब नारद जी सारी समस्या हल हो गई। भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाओ तुम अब भगवत पाठ। जिसे सुनकर उन तीनों के हो जाएंगे फिर से ठाट। नारद बोले हे मुनीश्वर पाप नष्ट कर आपका दर्शन। दुख दावानल में जो झुलसे शांति वर्षा करता प्रतिक्षण। भगवत कथा का पान करे जो निकले शेष जी सहस्त्र मुख से। शरण आपके आया हूँ मैं निहाल कर दो भक्ति सुख से। जन्म जन्म के पुण्य से मिलता है सत्संग। मोहम्मद और अज्ञान को जो करतांग भंग। भक्तों श्रीमद्
भागवत का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए तीसरा अध्याय प्रारंभ करें। जय श्री कृष्ण। अब सुनो श्रीमद् भागवत के महात्म्य का तृतीय अध्याय, जिसमें भक्ति के कष्ट निवृत्ति सूत जी अब रहे सुनाए। नारद बोले फिर भगवन, भगवत ज्ञान का यज्ञ करूंगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य को भू पर फिर से स्थापित करूंगा। पर कहाँ करूं ये पावन यज्ञ में कोई उचित स्थान बताओ। वेद पारगामी हो प्रभु तुम, सुख शास्त्र की महिमा सुनाओ। किस विधि कितने दिन तक मुझको भगवत कथा सुनानी होगी। सनकादि बोले नारद जी आप विनीत विवेकी योगी, आनंद नाम का घाट है सुनो हरिद्वार के जाओ पास, जहाँ देव ऋषि सिद्ध लोग सदैव करते हैं निवास। भांति भांति के वृक्ष वहाँ है और बिछी है बालू कोमल, हाथी शेर में बैर नहीं है, खिलते कमल सुनहरे हर पल। सरस कथा का निश्चय जान, ज्ञान यज्ञ का करिए आरंभ, भक्ति पहुँचे अपने आप ही, ज्ञान वैराग्य को लेकर संग। नारद जी विश्वास करो तुम, वे जैसे जैसे कथा सुनेंगे वैसे वैसे श्री कृष्ण जी उन तीनों के कष्ट हरेंगे। सूत जी तब कहने लगे सुनो हे शौनक मुनिराज, जो सुनते भागवत कथा को होते पूरन सारे काज। नारद जी के संग सनकादि जा पहुँचे गंगा के तट पर, तीनों लोक में कथा का हल्ला, कथा रसिक भी पहुँचे तट पर। प्रभु वशिष्ठ च्युन गौतम जी व्यास पराशर आदि धाये, सभी मुनि गण शिष्य पुत्र संग स्त्री सहित वहाँ पर आए। वेद उपनिषद तंत्र मंत्र भी और जा पहुँचे सत्रह पुराण, छौ शास्त्र भी हुए उपस्थित, बैठ गए हो के मूर्तिमान। सारी नदियाँ सारे सरोवर, दिशाएं पर्वत और वन सारे, सुनने कथा को दौड़ के आए, दानव देव और गंधर्व सारे। अपने गौरव के कारण नहीं आए हैं कुछ लोग, महर्षि भृगु ने समझा के किया कथा श्रवण संयोग। कथा सुनाने सनकादि जी आसन शेष पे जाके विराजे, नीचे वैष्णव विरक्त सन्यासी श्री नारद जी आगे विराजे। एक ओर ऋषिगण एक ओर देव, एक ओर वेद उपनिषद साजे, एक ओर तीरथ एक ओर स्त्री, जय जयकार शंख आदि बाजे। खिला वीर गुलाल उड़ाए, फूलों की लगी होने वर्षा, देव विमान से करने लगे तब कल्प वृक्ष पुष्पों की वर्षा। पूजा कर सनकादि ने की है कथा आरंभ, सुनाया ऋषिवर नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य।